हेलो गाइस, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप आज करड़ी का टॉपिक है आपका, जब पूरी राशि करड़ी का हो, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको हम क्या करते हैं वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू और अंडर रूट टू, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स है और ये एन बार हैं, कितनी बार है, एन बार है, तो हम लिख सकते हैं एक्स एक्स टू के पावर एन माइनस वन बटे में टू के पावर एन, ये फार्मूला होता है इसका। अच्छा, यहाँ एक्स जो क्या है, रूट टू है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रूट टू, फिर रूट टू, फिर रूट टू। अच्छा, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो कितनी बार है, 5 बार, तो यानी कि जगह कितना है, 5, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे लिखेंगे यस, जो यस था यहाँ पे यस लिखे, यहाँ पे टू है तो क्या लिखेंगे, टू, फिर टू, यानी कि जगह कितना है, 5, फिर माइनस वन और टू पावर 5, ठीक है। यानी वहाँ पे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, टू टू के पावर एन माइनस वन बटा टू के पावर एन, तो एन की वैल्यू कितनी है, 5, कितनी बार है, 5, यहाँ भी हो जाएगा 2 के पावर 5, 2 अपनी जगह, 2 के पावर 5 मतलब होता है 32, 32 माइनस 1 और बटा 32, 2, 32 में से 1 गए 31 और बटे में 32, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड पे, इसको हम इरेज कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड एक साथ सॉल्व करते हैं। ये क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस, अंडर रूट एक्स प्लस, अंडर रूट एक्स प्लस डेड एड एस इनफाइनाइट बार तक है ये, और इसमें क्या है, अंडर रूट 12 माइनस, अंडर रूट 12 माइनस, अंडर रूट 12 माइनस, और ये कितना जाएगा, इनफाइनाइट बार। ये दोनों हम साथ में क्यों करा रहे हैं, इसका कुछ रीज़न है, अब भी देखेंगे हम। इसका क्या करते हैं, 6 का फैक्टर कर देते हैं, 2 गुणित 3, ठीक है। अच्छा, ये जो संग नंबर होता है, इसका फैक्टर ऐसा करना है, मतलब गुणनखंड ऐसा करना है कि जो दो नंबर का है गुणनखंड में, उनका अंतर 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणित 1 और 2 गुणित 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 और 1 का अंतर क्या हो गया, 5 हो गया, तो इसको हमें नहीं लेना है, लेकिन 2 और 3 का अंतर 1 होगा, तो इसको हमें लेना है, जो कि हम लिए हैं, ठीक है। अब अगर प्लस 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 रहें तो जो बड़ी संख्या रहती है वही इसका आंसर हो जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3, क्लियर है। अब ऐसे ही इसमें चलते हैं, अब 12 है, तो 12 को हम कितने में तोड़ सकते हैं, एक तो 12 गुणित 11, एक 6 गुणित 2, एक 4 गुणित 3, ठीक है। तो अच्छी चीज़ देखिए, इसका अंतर कितना हो गया 11 का, तो नहीं लेना, इसका अंतर कितना होगा 4 का, नहीं लेना, इसका अंतर कितना होगा 1 का, तो इसको लेना है, यानी 12 को हमें लेना है 4 गुणित 3, अंतर कितने का है, 1 का है। तो अगर प्लस रहे तो बड़ी वाली संख्या, और अगर माइनस रहे तो छोटी वाली संख्या, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसमें 4 और 3 में छोटी संख्या कौन है, 3 है, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो जाएगा, क्लियर है। मेथड सेम है, हमने कहा अब इसका फैक्टर करिए, फैक्टर जो गुणनखंड करिए, गुणनखंड हमेशा 1 का अंतर होना चाहिए, जो कि दोनों में है। अगर प्लस रहे तो बड़ी वाली संख्या लो, अगर माइनस रहे तो छोटी वाली संख्या लो, और यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट
44। इसमें क्या ऐसे समीकरण क्या जो अंडर रूट के नीचे अंडर रूट के नीचे अंडर रूट रहे, तो जो सबसे अंदर अंडर रूट था उसको हम पहले बाहर निकालते हैं। अब बाकी सी चीज़ें को ऐसे लिखते हैं, 248 प्लस 52, 144 को बाहर निकालेंगे तो बाहर आएगा, ठीक है इतना सही है। तो 248 प्लस, अच्छा ये अंडर रूट में है तो 2 2 4 5 1 6, ठीक है तो ये अंडर रूट हो गया 248 प्लस। 64 को बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 8 जोड़ेंगे इसको तो 256, और 256 किसका वर्गमूल है 16 का, तो आंसर कितना हो जाएगा 16। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ऐसे हमारा 5 का रहेगा, इसका क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49। अब अंडर रूट के नीचे अंडर रूट सब है ना, तो सबसे पहले अंडर रूट जो सबसे अंदर है वो लेंगे, तो 5 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29। अच्छा 49 को बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा 7, ठीक है फिर क्या लेंगे 5 रहेगा, ये अंडर रूट कितना है 11 है, ये अंडर रूट कितना है 19 है। अच्छा 19 7 कितना हो गया 36, ठीक है 29 और 7 कितना हो गया 36 हो गया। अब यहीं पे आएंगे हम, अंडर रूट 5 है प्लस अंडर रूट 11 है प्लस अंडर रूट 19 है। अच्छा 36 को बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितनी बात सही है। अब यहाँ हम देखते हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 है 25। तो अब क्या करेंगे 25 को बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 5 16 को बाहर निकालेंगे 4 आ जाएगा, ये अंडर रूट 9 हो गया, ये बाहर आके क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब बात को ध्यान समझिएगा, जैसे इसमें है ठीक है ये क्वेश्चन है, तो हम क्या कहें अंडर रूट के नीचे अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, तो पर 144 जाएंगे, 144 को बाहर निकालेंगे तो बाहर है, बाकी जो चीज़ें सेम हैं वैसे लिखेंगे, फिर 12 इसमें जोड़ेंगे 64 आएगा, बाकी चीज़ें सेम लिखे हैं, 64 को हम बाहर निकाल सकते हैं 8 जोड़ेंगे 256, 256 के बाहर 16, ठीक है ये हो गया। ऐसे इसमें करेंगे अंडर रूट के अंदर ये, उसके नीचे अंदर ये, उसके अंदर ये, उसके अंदर ये, ठीक है तो जो सबसे अंदर वाला होता है उसको परे करते हैं, 49 को बाहर निकले 7, बाकी जितनी चीज़ें सेम लिखे हैं 29 7 36, बाकी जितने 3 टू अंडर रूट है तीनों हम सेम लिखे हैं, 36 को बाहर निकलें 6, बाकी जो हैं सेम लिखे हैं 29 19 6 25, 25 को बाहर निकालेंगे 5, 11 5 16, 16 को बाहर निकालेंगे 4 5 4 9, 9 को बाहर निकालेंगे तो 3, मतलब अंदर से हम बाहर को लाते हैं और हमारा आराम से क्वेश्चन क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है आगे क्वेश्चन कौन सा है, ये हो गया, अभी वो बाकी है। ये क्या है 2 की पावर 6 प्लस 15 का स्क्वायर, 2 की पावर 6 मतलब होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, 5 4 9 6 2 8, 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। सिंपल सा था, 2 की पावर 6 मतलब 2 का 6 बार गुणा करेंगे 64 आएगा, 15 का स्क्वायर मतलब 15 का 2 बार गुणा करेंगे 225 आएगा, 225 में 64 जोड़ेंगे 289 आएगा, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, ठीक है। तो आपका वो भी क्वेश्चन कंप्लीट, इस पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन है 513 माइनस 144 माइनस 81 माइनस 64, ठीक है तुम क्या करते हैं 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं, 513 माइनस 144 बाहर निकालेंगे 12 है, 81 बार निकल 9, 64 बार निकालेंगे 8, तो 513 12 9 21 21 8 29, 13 में से 9 गए 4, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 4 बटे, तो 484 किसका वर्गमूल है 22 का। बस आंसर है कि नहीं सिंपल, जब जैसे जैसा है वर्गमूल निकालते जाइए, बस रखिए बस सॉल्व करिए बस हो गया, क्लियर है। तो हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस पे आते हैं हम, 4 प्लस
चौवालीस प्लस 10,000, ठीक है। तो हम मैंने बोला है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाले में जाएंगे, बाहर वाले से कुछ मतलब मत करिए, जैसे बाहर है वैसे रखिए। जैसे बाहर है 4 + 44 + 10,000 बाहर निकल गए, ये जीरो है जीरो, एक का तो बाहर आएगा, ये दो जीरो में से एक जीरो, इन दो जीरो में से एक जीरो, फिर 4 + 100 और 44 कितना हो जाएगा, 144। 144 को बाहर जब निकालेंगे तो 12 का वर्गमूल है, 12 × 4 = 16 हो गया, और 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 हो गया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बस रहे ये वाले क्वेश्चन, ये वाले भी देखने में आपको टफ लग रहे हैं लेकिन बहुत है सिंपल है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 1/100 - 99 - 1/98 - 98 - 1/97 - 1/97 - 96 + 2 - 101, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से सम में से देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या आपको कौन दिख रहा है, तो 100 दिखेगा ही, 100 माइनस सबसे छोटी संख्या आपको यही -1 दिखेगा, तो माइनस कर डी 1, इतनी बात सही है, ओके। 100 को बाहर निकालेंगे तो 10 आएगा, माइनस 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 मिलके प्लस हो गया, रूट 1 में को बाहर निकालेंगे 1 आएगा, और 10 × 1 = 11, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है कि नहीं सिंपल। कुछ नहीं करना है, अब क्वेश्चन देखो, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिखो, फिर माइनस जो छोटी संख्या है उसको लिखो चिन्ह के साथ, अगर आप प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। 100 को बाहर निकालोगे 10 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट में 1 को 1, और 10 × 1 = 11, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन, अब इस पर इसको हम मिटा देते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन, 1/√3 + 1/√4 + 1/√5 + 1/√5 + 1/√6 + 1/√7 + 1/√8 + 1/√8 + 1/√9, ठीक है। कुछ नहीं है, ये तो क्वेश्चन देख लिया हम, क्या लिख बोले थे, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यही तो बोला था। तो सबसे बड़ी संख्या आपको इसमें से कौन सी लग रही है, ये कर्णिम 9 माइनस सबसे छोटी संख्या कौन लग रही है, कर्णिम 3। अच्छा, कर्णिम 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और कर्णिम 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, बस ये आंसर हो गया आपका। सिंपल है कि नहीं सिंपल है, क्लियर है। ऐसे ये भी लगेगा, इसको भी देख लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है, 1/√3 - 1/24 - 1/23 + 1/√23 - √22 - 1/√22 - √21 + 1/√21 - √20, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, फार्मूला क्या है आपको, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ये होता है कि नहीं होता है। तो सबसे बड़ी संख्या, अच्छा इसमें से देखिए क्या आता है, √25 है, फिर माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है, ये √20 है, लेकिन चिन्ह के साथ लेना है, तो माइनस √20, ठीक है। √25 को बाहर निकालेंगे 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस √20, इतनी बात सही है।
अभी क्या है, पाँच है प्लस रूट में बीस को क्या लिख सकते, दो दूनी चार पाँच बीस, पेयर बनाएंगे तो पाँच प्लस दो बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या रूट में फाइव, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, तीन तीन छः छः दो आठ तीन ग्यारह, आपके टोटल 11 क्वेश्चन थे। 11 क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन टफ होगा, और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए आपके लिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी हैं। आप केवल इतनी को क्वेश्चन का रिवीजन करिएगा, ठीक है, और किसी भी एक बुक से आप क्या करिएगा प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर क्या करिएगा प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ओके, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक कितने मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।